खबर ब्राजील से। ब्राजील के साओ पाउलो में शुक्रवार को एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 61 लोग सवार थे। हादसे में सभी 61 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के क्षेत्रीय एयरलाइन वोएपास ने एक बयान में जानकारी दी। ये विमान साओ पाउलो राज्य के विनहेडो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और एक आवासीय क्षेत्र में जा गिरा। अधिकारियों ने कहा इस दौरान एक घर क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इस डबल इंजन वाले विमान ने दक्षिण ब्राजील के पराना राज्य के कास्कावेल शहर से उड़ान भरी थी और साओ पाउलो में लैंड होना था। पहले बताया गया कि विमान में सवार 62 लोग मारे गए, लेकिन बाद में एयरलाइन ने बताया कि मृतकों की संख्या 61 है। वोएपास ने एक बयान में कहा, हमें यह बताते हुए खेद है कि फ्लाइट 2283 में सवार सभी 61 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एयरलाइंस के अनुसार विमान में 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य थे। एयरलाइन ने कहा इस समय वोएपास पीड़ितों के परिवार को सहायता प्रदान करने और दुर्घटना कारणों की जांच करने के लिए अधिकारियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कर रहा है। दुर्घटना ग्रस्त विमान के निर्माता ATR ने कहा कि उनके विशेषज्ञ दुर्घटना कारणों की जांच कर रहे हैं। अभी यह नहीं पता चल पाया है कि यह दुर्घटना कैसे हुई। Porra! Caralho, bicho! Nossa! Fudeu! É doido! Caralho, moleque! Tá louco, bicho! Que isso, irmão? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।